हल्दी डल रही है। वाह क्या अचार डल रहा है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं घर पर हूँ अचार अमिया को और करेला को। तो आप लोगों को दिखाते हैं कैसे डाल रही मम्मी। पहले तो जी करेला और आम सूख में डालते हैं। तो जी करेला और अमिया हैं जी, दोनों को मिक्स पर है वो अचार मेरे घर है। तो मेरे सामने तो पहली बार पर रहा जी अचार। मम्मी कह रही कि मतलब ऐसे डालेंगे तो जी थोड़ी सी घाम लग जाए, धूप लग जाए, ताकि बाद मम्मी अचार डालेंगे आपको। और देखो जी खटाई सूख रही है और जी आम जी निखालस मतलब आम को अचार पर है। तो जी हद और नमक लगाए कि एक दिन रखी रहने दें ताकि बस सुखाए हुए डाल दें। अब इनको अचार पर आओ। और वो खटाई है, वो खटाई मतलब सुखा दी है ऐसी आमियाँ काट के, तो फिर जी सूख जाएगी। जाके बाद दाल में डालो, बहुत अच्छी मतलब लगते हैं। दाल में डालो, आलू की सब्जी बनाओ, आम में डालो, बहुत खट्टी खट्टी सब्जी आ जाती है। अरे वाह जी गोलगप्पे ले आओ। क्या रुपया के ला हुआ? 20 के। खा ले तुम। हम खा ले, एक खाएंगे हम। खा ले एक दे दे बस भर के। किन किन को मन करता तो है गोलगप्पे? देखिए गोलगप्पे खाए वो खाएगा। खावे पानी बहुत खट्टू है। खाएगा देख पानी बहुत खट्टू है। त्यो तो चलो है ना, मैंने कितना तो पानी फैला दो। अच्छा है पानी सही है। खा ले तू जरूर गोलगप्पा। कैसे लग रहा? नानी मूंग की दाल फटक रही है। देखो जी मूंग की दाल है और नानी फटक रही है। वो अरे मूंग ही मूंग है, दाल ना नानी है। दाल बनाई जा भाई, चक्की आते हैं। और देखो जी पीरी वाली सस्सू है, आज सब चीज सुखा दी वो काम में। और जी तो मका के दाने हैं जी रखी है, मूंग की दाल जी, चना है और धनिया वगैरह है जी। अरे सौंप जी अचार की तैयारी है रही है जी सस्सू में। पीरी वाली जी सौंप है जी, सस्सू पीसी जा रही है भाई। मम्मी अचार डाल रही है ना करेला को और आम को। सो जाएगी तैयार। तो फिर जी अमिया उतारना है, अमिया अलग कर देंगे और करेला भी अलग कर दे। तो मम्मी देखो करेला को भूंज रही है तेल में। जो देखो तेल में तो जे थोड़े से मम्मी ने मतलब सेक लाए। क्या कर लगो मम्मी ने? भूंज लाए। मुझे मैं सही कह रहा हूँ, भूंज ले। आप लोगों को समझ में आ रही होगी ना भाषा। और देखो जी ऐसे भूंज रही है मम्मी तेल में, क्योंकि जी इनको करुआ पन है वो मम्मी निकल जाए हैं जल वजह से। तो और मतलब जी खराब होना होंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही डाल देंगे तो जी पानी वगैरह छोड़ेंगे तो जी खराब है की संभावना है। तो जी ऐसे करके मतलब भूंज के और अच्छी तरह इनको जी कड़वे होता है ना बहुत ज़्यादा, तो जी कड़वापन निकल जाएगा और क्या ना खराब होना होंगे। और मम्मी ने देखो जी सरसों डर ली है मतलब पीस ली सलोटा पे, जब दोनों सौंप सौंप और सरसों दोनों चीजें। अच्छा नमक हुए तो हमारे घर मतलब पहली बार शादी करे लोग में अचार पर रोगा है। हाँ, पहली बार ना मतलब मेरे सामने ऐसे लग रही है कि मैंने
मैंने देखो ना मैं घर का करेला अचार करो तो जी मतलब भूज के ठंडे आ जाए जी जाके बाद मम्मी खा रही जी ठंडे हो जाता थोड़ी थोड़ी जाप जैसा क्योंकि हमें इनमें थोड़ा थोड़ा पानी सो है ना तो सूखा भी डाली थी मैं करेला अम्बे लेके आम खट्टा खट्टा और कैसा कड़वा हम यहाँ पत्ती हूँ मस्त बढ़िया जी आम को अचार डर रहा हुआ है समू की गई थोड़ी सी हम यहाँ और मैं तो इतना गोलगप्पे बना रहा हूँ और जी सरसों और सौंफ डाल के और कर रहा हुआ अचार कानम तेल डर रहा हूँ और ये बढ़िया कटिया लो चमचा तना का को जाएगा आज मसालो डर रहा है सरसों है जामे सौंफ है और का है मम्मी नमक है हम डाले हैं नमक है सरसों मिर्च डाल रही है मिर्च उड़ रही है हल्दी उड़ रही है वाह क्या अच्छा डल रहा है इसमें जी आलाओ जाओ भर के बांटी अचार कर रहे हो अब बाको चढ़ रहे हो बाबू करेला को चढ़ रहे हो ऐसे ही बिल्कुल है हमें तिल डर रहे हैं और तेल कुल पतुआ हाँ वाह जी आनंद सेठ पूरा मंदी हो तुम वहां में पूरा खुशबू आ रही है सो तो मम्मी बहुत अच्छी करेला तेल डर रहा हुआ सस्तों को ये पड़ाके बनेगा ये अशोक लाल खंगे ये कहीं वो कहाँ से पड़ाके हैं एक ही का ओहो चार देखा जाओ मेरे से पकड़े हाथ दे पड़े अब अचार पड़ेगा अमीना को डरेगा करेला डरेगा इतना पड़ा के चल रहा है पल्ला अचार डर रहा हुआ जी को पड़ा के नहीं पानी जाके खा रहे हैं बिता बंद बनना इतना बंद खा रहे हैं इतना ना नहीं कपड़ा धो रहे हैं और बालों खा रहे ज्यादा गरम गरम पड़ा को अड़िया ले आई है देखो जी मकाक में मकाक की अड़िया है किन्नी की मैं लाई ली किन्ने दई जी खेतराम नन्नू के खेत में तभी नानी दई हुई है
मम्मी ने आंच जला ली, देखो अड़िया भूंज रही के लिए अब अड़िया भूंजी गोल गप्पे बने खबे पूरे दिन खबर तो ही रहते कहूँ खचू देख लो फ्रेंड अड़िया भूंज के आ चुकी हैं। बस चूली पे मम्मी ने भूंज दी, मैं छत पे आऊं क्योंकि मैं बहुत देर तक गोल गप्पे बना रहा हूँ, तो एकदम गर्मी लग गई। हाँ देख मेरे हाथों का रहे वो खाओगी लली? खाऊंगी अड़िया खाऊंगी लली अड़िया खाओगे अड़िया खाऊंगी लली खाएगी गम में देखो फ्रेंड मूंग पे दार बन चुकी है, चकिया पे बना रही नानी, ये देखो दिवाली दार बना दी जो कल हमने मूंग खाई थी सुबह सुबह, देखो नानी लग गई है। और ये दाल है चना, चना की दार बन गई जी, बटर बात है अशोक नानी ने देखो जी निकाल ली, अब जब फटके देखो ऐसे फटक ही जाते हैं जी, फिर भी साफ दारे के निकल जाते हैं। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर।